तो यार ये देख लो, ऐड और रिमूव मैनेज लाने के लिए आपने क्या करना है, आपके सब्सक्राइबर्स भी यहाँ पे ये देख लो 170 है, तो 170 ही रहने वाले हैं यहाँ पे, इससे कम नहीं होगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे आके आपको दिखा दूँ, ये देखो, अगर मैं चैनल पे आता हूँ और आपको यहाँ पे अपना चैनल दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे ये प्रो गेमिंग माफिया। ओके, यहाँ पे मैंने सब्सक्राइबर्स हाइड कर रखे हैं। ओके, ये वाला चैनल है। ओके, यहाँ पे मैं इसे चेंज करने वाला हूँ, यानी ब्रांड अकाउंट पे लेके जाऊंगा, फिर आपके सामने यहाँ आपको देखने को मिलेगा ऐड और रिमूव मैनेजर। ओके, यहाँ पे अदरवाइज आपको वो ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। आपने क्या करना है, आपने अपने चैनल के क्रिएटर स्टूडियो पे आ जाना। ओके, यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो पे आ जाना है, ये जो आपका यूट्यूब स्टूडियो है, ओके, बीटा स्टूडियो बन चुका है। यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, देखो यार, सेटिंग्स। ओके, यहाँ पे सेटिंग्स के बटन पे आपने प्रेस करना है, उसके बाद चैनल पे आ जाना। ओके, चैनल पे आने के बाद यहाँ अकाउंट सेटिंग्स है, यहाँ पे आ जाना, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना। ओके, यहाँ आपने जाना है यूट्यूब अकाउंट। ओके, यूट्यूब अकाउंट को प्रेस करना है, उसके बाद इस तरह से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पे अब आपने क्या काम करना है वो मैं आपको बता दूँ। ओके, यहाँ पे आपने पहले मूव करना है अपने चैनल को एक ब्रांड अकाउंट पे। ओके, ब्रांड अकाउंट में मूव करने के लिए आपको एडवांस सेटिंग्स में जाना पड़ता है। ये देखो, अगर हम एडवांस सेटिंग में आते हैं, ओके, तो यहाँ पे ये आपको कहता है कि मूव चैनल टू अ ब्रांड अकाउंट, लेकिन ब्रांड अकाउंट चैनल मूव करने के लिए आपके पास एक और चैनल होना चाहिए, वो आपने कैसे क्रिएट करना है। ओके, इसी जीमेल के ऊपर आप यहाँ पे आ गए इस वाले डिस्प्ले पे। ओके, यहाँ पे आप चैनल सेटिंग में आए डैशबोर्ड में। ओके, मैनेज योर यूट्यूब अकाउंट। ओके, यहाँ पे आपने प्रेस किया तो आपके सामने ये वाला डिस्प्ले आ गया। ओके, यहाँ पे आने के बाद आपने क्या किया, यहाँ है क्रिएट ए न्यू चैनल। ओके, इस बटन पे आपने प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे ब्रांड अकाउंट नेम, ओके, जो आप अकाउंट बनाना चाहते हो उस अकाउंट का आपने नेम दे देना है। यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ, दूसरे अकाउंट का नेम भी सेम ही रखना चाहता हूँ। ओके, यहाँ पे प्रो गेमिंग माफिया। ओके, यहाँ पे ये नेम मैंने दे दिया और यहाँ पे मैंने कर दिया क्रिएट। ओके, तो ये देखो यार, आपके सामने आपका एक ब्रांड अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ओके, यहाँ पे अब आपने इस ब्रांड अकाउंट पे कैसे लेके जाना वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लो यार, यहाँ पे आपका ये वाला है, यानी इस पे डीपी भी है और के बैकग्राउंड भी लगा हुआ है, लेकिन जो अभी आपने क्रिएट किया है न्यू अकाउंट। ओके, ये देख लो यार, इस पे जीरो सब्सक्राइबर्स। ओके, नो डीपी, नो चैनल आर्ट। ओके, अब आपने क्या काम करना है यार, ये देखो। ओके यार, यहाँ पे आने के बाद आपने कर दिया अपने अकाउंट को, यहाँ से रिफ्रेश रिफ्रेश करोगे तो ये वाला अकाउंट आ जाएगा। ओके, नए वाला जो भी आपने क्रिएट किया। ओके, तो देख लो यार, ऐसे आपका नया वाला अकाउंट आ गया आपके सामने। अब आपने क्या करना है, इसे करना है स्विच। ओके, स्विच अकाउंट पे आके यहाँ पे अपने अकाउंट को ओपन कर लेना, जिसको आप ब्रांड में लेके जाना चाहते हो। ओके, पहले जो आपका अकाउंट था उसे आप ब्रांड में लेके जाना चाहते हो तो आपने इस अकाउंट पे आ जाना। ओके, जो आपका पहला था, यानी कि जिसपे आपके सब्सक्राइबर्स, आपका वॉच टाइम, आपकी वीडियो है, जिसे आप मूव करना चाहते हो ब्रांड अकाउंट पे। ओके, आपने उस चैनल पे दोबारा से यहाँ से आ जाना। ओके, अदरवाइज आपका डायरेक्ट मूव कर दिया जाता है दूसरे अकाउंट पे, तो आपने यहाँ पे आ जाना। ओके, स्विच करके सेटिंग्स पे आपने आ जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपने आ जाना है चैनल पे। ओके, चैनल पे आने के बाद एडवांस सेटिंग उसी तरह से आपने स्क्रॉल डाउन किया और यहाँ आ गए यूट्यूब अकाउंट पे। और उसके बाद यार ये देखो, आपके पास आ गया है ये वाले ऑप्शन। ओके, यहाँ पे आने के बाद अब आपने क्या काम किया, अब आप आ गए एडवांस सेटिंग्स में। ओके, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया, यहाँ आपको मिला मूव चैनल टू अ ब्रांड अकाउंट। ओके, यहाँ पे अब आपने क्या किया, चैनल को कर दिया एक ब्रांड अकाउंट में मूव। ओके, यहाँ पे प्रेस करोगे तो जैसे ही प्रेस करोगे आपके सामने एक इस तरह से डिस्प्ले आ जाएगा। ओके, आपका ये डिस्प्ले आ गया। अब आपने क्या, अब आपने कौन सा काम करना। ओके, ये देखो, माय चैनल नाउ, यानी कि अभी मेरे चैनल पे 170 सब्सक्राइबर्स है, 8 वीडियोस है। ओके, यहाँ चैनल आइकन और नेम जो है ये वाला है। ओके, प्रो ब्लॉगिंग माफिया, ये यानी चैनल आइकन है। ओके, ये जो मेरा नया अकाउंट मैंने आपके सामने क्रिएट किया है ब्रांड अकाउंट। ओके, इस पे मूव करना है। ओके, माय चैनल आफ्टर मूव। ओके, मैं आपको थोड़ा टाइम लगा के समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके, काफी वीडियोज मैंने देखे लेकिन उन्होंने सिर्फ बताया हुआ डायरेक्ट करके, आपको समझाया कुछ भी नहीं। तो ये देखो यार, इस पे मूव करना है, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप आ गए। ओके, यहाँ आने के बाद आपने ये वाला जो नया अकाउंट बनाया है सिंपल, यानी कि इस अकाउंट से मूव करना है इस पे। ओके, इस पे आपने कर देना है प्रेस। ओके, अब आपने टेंशन नहीं लेनी है, बता रहा प्रो गेमिंग माफिया चैनल जो नए वाला है। ओके, जीरो सब्सक्राइबर्स है, नो वीडियोज। ओके, तो ये डिलीट करना पड़ेगा। ओके, तो आपने डिलीट कर देना, यहाँ आपने देख लेना जीरो सब्सक्राइबर्स हो, नो वीडियोज, जैसे मैंने बताया है सेम तरीका करना है। इसके अलावा अगर आप करते हो तो मेरी कोई गारंटी नहीं है यार, आपने वही तरीका करना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद डिलीट चैनल। ओके, यहाँ पे प्रेस करके, तो ये देखो यार, जैसे ही आप ये करते हो, देखो माय चैनल नाउ ये वाला था,
170 सब्सक्राइबर्स, और अब जो बाद में बनेगा वो कौन सा होगा उस पर भी 170 सब्सक्राइबर्स हो गए, आपकी डीपी वगैरह सेम लग जाएगी। ओके, सेम डीपी आपकी लग जाएगी अपने आप, आपको किसी किस्म का काम करने की जरूरत नहीं। मूव चैनल पे प्रेस किया आपने, ओके यहाँ पे आ गया ये सम कंटेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ओके, जो आपने वीडियो प्राइवेट कर रखी है या अनलिस्टेड कर रखी है, ओके वो वीडियोस आपकी नहीं जाएगी, ओके वो आपकी मूव नहीं होगी। तो यार अगर आपने सभी वीडियोस को पब्लिक करना है तभी जाके आपकी सभी वीडियोस मूव होगी। तो यार यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अपनी वीडियोस को पहले पब्लिक कर लेना सभी को। तो मैंने यहाँ पे तीन वीडियोस को पब्लिक नहीं करना, उसे ऐसे ही रहने देना प्राइवेट, तो मैं वो नहीं लेके जाना चाहता, तो उसके मैंने ऐसे ही रहने देना मूव चैनल। यहाँ पे मैंने प्रेस कर देना, ये देखो ये वाला अकाउंट आ जाएगा इसमें, ओके यहाँ पे ब्रांड अकाउंट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ओके देखो, ओके यार तो इतना काम आपने कर लिया, मूव कर लिया। ओके इसके बाद मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे आप आ गए यूट्यूब के ऊपर। ओके यहाँ पे अगर यूट्यूब पे आके स्टूडियो पे जाते हो तो ये देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ओके यहाँ पे आपने डरना नहीं है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। देखो यार आपका चैनल का लोगो प्रो गेमिंग माफिया, और यहाँ पे सब्सक्राइबर्स कितने, जीरो। ओके जीरो, यानी कि सारे के सारे ट्रांसफर हो गए नए वाले अकाउंट पे। ये देखो ये जो नए वाला अकाउंट हमने बनाया था इस पे सभी आ गई वीडियोस भी, और यहाँ पे वीडियोस भी सभी आ गई, और आपका सब्सक्राइबर्स भी। अगर मैं इसे रिफ्रेश करके दिखाऊं, ये देखो अभी जीरो है। तो ये देखो यार रिफ्रेश करता हूँ, ये चैनल डज नॉट एग्जिस्ट। ओके इसे आपने कर देना बंद, ठीक है। आप आ गए यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो पे। अब आने के बाद ये देखो यार यहाँ पे आया अकाउंट पे स्विच अकाउंट, डरना नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। स्विच अकाउंट, ये देखो यार ये आपका चैनल आ गया जो आपने जिस पे ब्रांड अकाउंट बनाया। ओके इस पे आपने प्रेस किया, डीपी नहीं लगी हुई है, 170 सब्सक्राइबर यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये देखो यार आपके सामने चैनल, डीपी कोई नहीं रही। ओके पहले आपकी डीपी थी लेकिन अब आपकी डीपी नहीं रही। तो ये देखो 170 सब्सक्राइबर आपके आ गए। ओके यहाँ पे सभी की सभी वीडियो, आपका आइटम सभी का सभी यहाँ पे आ गया। ओके यानी कि अब आपका ब्रांड अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ एड और मूव मैनेजर भी। ये देखो ये जो पहले हमारा चैनल था, ओके यहाँ पे जिसपे डीपी और बैकग्राउंड कवर था, अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ आपके सामने, तो देखो यार रिफ्रेश करने के बाद आपके सामने ये चैनल वही वाला आ गया। ओके ये देखो यहाँ पे डीपी नहीं रही, चैनल आर्ट वही रहा लेकिन डीपी यहाँ से रिमूव हो गई। आपका चैनल अब ये क्रिएट हो चुका है, आपके ये जो लिंक है ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये वही का वही रहेगा जो ब्रांड अकाउंट पे आओगे। ओके यहाँ पे अब मैं आपको दिखा दूं, ये देखो यहाँ पे आप आगे, यहाँ पे आने के बाद अब ऐड और रिमूव का ऑप्शन मैं आपको दिखा दूं, जिसपे जिसके ऊपर ये वीडियो हमने बनाई है। चैनल पे आप आगे, अकाउंट सेटिंग के ऊपर आप आगे, उसके बाद यहाँ पे यूट्यूब अकाउंट, ओके मैनेज योर यूट्यूब अकाउंट, यहाँ पे आप आगे। तो ये देखो यार यहाँ पे आने के बाद आपके सामने आ गए, देखो ये देखो चैनल मैनेजर्स, ओके ऐड और रिमूव मैनेजर्स। ओके अब आपके पास ये ऑप्शन आ गया, पहले ये नहीं था अब आ गया।